नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, कोरोना का फिर भी विस्फोट हुआ है। आज 22 जनवरी को 90 मरीज मध्य प्रदेश के दमोह में निकले हैं। कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और कोविड के मरीजों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए बताया है कि बांदकपुर से एक, फुटेरा वार्ड नंबर 2 से एक, मड़ाहार से एक, सुर्खी से एक, सागर नाका दमोह से एक, बजरिया वार्ड नंबर 3 से एक, बजरिया वार्ड नंबर 2 से एक, बजरिया वार्ड नंबर 6 से एक, तिदनी ग्राम से एक, सासा ग्राम से एक, दमोह में एक, घाना मैली से 5 और भाट कमलिया से एक, बड़ा गांव से एक, हटा में 5, चंडी जी हटा से 5, भैंसा घाट से 1, संजय वार्ड हटा से 1, कमला नेहरू वार्ड हटा से 1, अचलपुरा हटा से 1, जबेरा में 7, रवा कवि वार्ड हटा से 1, वार्ड नंबर 4 तेंदुखेड़ा से 1, सिंगोरगढ़ से 1, तेजगढ़ से 1, बिंदेला तेंदुखेड़ा से 1, खमरिया मानगढ़ से 1, नरसिंहगढ़ से 1, कोटाथला में 1, संजय वार्ड हटा से 1 और नवोदय वार्ड हटा से 2, तारादेही से 1, रैपुरा से 1 और वार्ड नंबर 3 तेंदुखेड़ा से 1, रामगोपाल जी वार्ड हटा से 1, रने से 1 और कर्मचारी हटा से 1, इंदिरा कॉलोनी से 1, वंशीपुरा वार्ड जबेरा से 1, हेनौती से 2, रोण से 1 और तेंदुखेड़ा से 1, तेंदुखेड़ा से 1 और निकला है, 2 मरीज, 3 मरीज निकले हैं तेंदुखेड़ा से, 4 मरीज, 5 मरीजों की संख्या आ रही है। बटियागढ़ से 1, फुटेरा कला से 1, गढ़ौला से 1 और कनकतला से 1, बिजौरी से 1, पंजी से 1, गौरीशंकर वार्ड हटा से 3, हजारी वार्ड हटा से 1, इटवा से 1, मुरली वार्ड हटा से 3, गोराम गोपाल जी वार्ड हटा से 1, बालाजी वार्ड हटा से 2, शास्त्री वार्ड हटा से 1, बौरी ग्राम से 1, देवगांव से 1, चनकुइया से 1 और बिलौनी से 1। अरे 90 मरीज दमोह में निकले हैं। कोरोना कोविड-19 के मरीजों में फिर एक बड़ा विस्फोट दमोह में हुआ है। आपसे निवेदन है, कोरोना कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करिए। 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी है, वैक्सीन अवश्य लगवाइए और कोरोना कोविड को जो है हमें पराजित करना है। तीसरी लहर कहर बरपा रही है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आपसे फिर निवेदन है कि आप कोविड के नियमों का पालन करिए, कोविड की तीसरी लहर को समाप्त करना आवश्यक है, इसलिए नियमों का पालन करना आवश्यक है। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं फिर नए समाचार के साथ। नमस्कार।